अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कबाब एंड बिरयानी कुजीन। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल रेसिपी, जिसका नाम है तवा चिकन। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इतने मज़े का तवा चिकन आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, और जब आप इसको खाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बाकी रेसिपीज की तरह ये भी बहुत ही क्विक, सिंपल और ईजी रेसिपी है और आपको बहुत पसंद आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक। गार्लिक को हमने बिल्कुल हल्का सा सौते करना है, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून क्रश्ड ग्रीन चिली। इस स्टेज पे ग्रीन चिली ऐड करने से तवा चिकन का टेस्ट और अरोमा बहुत एनहेंस हो जाएगा। ये मैंने लिया है 1 kg बोनलेस चिकन, ब्रेस्ट पीसेस मैंने लिए हैं और इनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। और इसको इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हसबे जायका नमक और साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon काली मिर्च क्रश्ड। ठीक है, कुटी हुई आपने काली मिर्च लेनी है और ये मैंने फ्रेशली क्रश्ड की है, जिससे इसका टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाएगा। और अब हम इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये मैंने लिए हैं 3 से 4 टमाटर मीडियम साइज के और इसको मैंने इस तरीके से थिनली स्लाइस कर लिया है। और अब हम ये सारे टमाटर स्प्रेड कर देंगे चिकन के ऊपर। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे ढक के रख देंगे। 10 मिनट्स हो गए, अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखें, टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इस सबको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे हमने इसमें ऐड करनी है 2 टेबलस्पून दही। अब हम फुल फ्लेम पे रख के इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon कसूरी मेथी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है और ग्रेवी थिक हो गई है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और अदरक। और इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। और 5 मिनट हो गए हैं, ये चेक करें जनाब। तो जबरदस्त और मजेदार सा तवा चिकन फ्राई बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी जबरदस्त खुशबुएं इस वक्त हमारे किचन में फैली हुई हैं और भूख है कि चमक उठी है।
तो बस आप भी अभी किचन में जाएं और इस डिलिशियस क्रीमी यमी क्विक सी रेसिपी को जल्दी से ट्राई करें और मैं आपको गारंटी देती हूं कि यू आर गोइंग टू लव इट। आप इसको गरम गरम नान या पराठों के साथ सर्व करें तो मजा दुबाला हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेरे चैनल कबाब एंड बिरयानी कुजीन को सब्सक्राइब करें और साथ में ये बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।